हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया शर्मा आज फिर अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है रवा उत्पम। रवा उत्पम हम ब्रेकफास्ट में बड़ी जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। तो फिर हम बनाते हैं रवा उत्पम। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रवा यानी सूजी, 1 कप दही, स्वाद अनुसार नमक और राई जिसे हम तड़का लगाएंगे, 1 प्याज, 1-2 हरी मिर्च और 2 टमाटर, आधा ग्लास पानी और ऑयल। एक बाउल में हम सूजी निकालेंगे उसमें दही मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी हम पानी नहीं मिलाएंगे, बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गई है, हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। अब इसमें पानी मिलाकर इसे थोड़ा पतला करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें राई का तड़का लगाएंगे। डेढ़ टेबल स्पून ऑयल डाला है। पैन गरम करेंगे, उससे पहले सारी सब्जियों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। हम सारी सब्जियों को घोल में भी डाल सकते हैं और अलग से ऊपर से स्प्रेड भी कर सकते हैं। पैन गरम होने पे बैटर को डालकर एक राउंड शेप देना है। ध्यान रहे वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, मीडियम साइज रखनी है उसकी, नहीं तो सूजी अंदर से सिकेगी नहीं। अब ऊपर से वेजिटेबल स्प्रेड करना है। ढक के 3-4 मिनट इसे एक तरफ से सेकना है।
अब इसे फोल्ड करना है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। से ऑयल से इसको ग्रीस करना है। और फिर से ढक के इसे 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। इसको लो आंच में सेकना है। ये भी दोनों तरफ से अच्छा सेक जाएगा, इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरह दूसरा बनाएंगे। वेजिटेबल्स में हम और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। दूसरा उत्तपम भी रेडी हो गया है, मैंने उसे भी प्लेट में निकाल लिया है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह बनाइए और खाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।